नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव भैंस पर। और जैसे कि हमारा एलिगेशन मिस्टर चल रहा था, जिसमें काफी अच्छी बातें हुई थी, काफी बढ़िया क्वेश्चंस हुए थे, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज फिर मैंने आपके सामने प्रस्तुति की है कुछ बहुत ही खट्टे, मीठे और प्यारे क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। इसमें आज मैं जो करने वाला हूँ, कुछ आसान, कुछ थोड़े अच्छे, कुछ थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की आज एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? यानी मैं हर तरफ से कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा और देखता हूँ, मुझे पूरा ये विश्वास रहेगा कि आपको बहुत ही प्यारी लर्निंग होने वाली है। मैं ऐसा, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी तक जितना भी एलिगेशन मिस्टर हुआ है वो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। काफ़ी आपकी लर्निंग हुई होगी, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई भी फिर भी डाउट रहता है, सिलसिला चल रहा है, कमेंट में मुझे बताइए, सिलसिले को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आज फिर आपके सामने सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसमें भाषा का खेल है, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, पढ़िए और करने की कोशिश बेटे बिल्कुल करना होगा। जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने क्या सीखा और क्या अभी बाकी है, ठीक है? तो सुनिए, पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है सर? इसमें बात की जा रही है गोल्ड, कॉपर और वाटर की, यानी जो कह रहा है गोल्ड, कॉपर एंड वाटर। क्या कह रहा है सर? गोल्ड वाटर से, यानी मैंने बोला वाटर, वाटर का मैंने W लिया, गोल्ड का Z लिया। ये कह रहे 20 गुना भारी है। कितना भारी है सर? 20 गुना है। यानी ये अगर एक है सर तो ये कितना है गुरु? ये 20 है। अगर ये एक है तो ये 20 है। और कॉपर कितना है सर? कॉपर 9 गुना है, 9 गुना भारी है। बहुत बढ़िया बात है। कॉपर कितना है सर? 9 गुना, तो ये 9 टाइम्स हो गया। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे इन दोनों को, किसको, गोल्ड और कॉपर को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण वाटर से कितना गुना भारी हो सर? 15 गुना भारी हो। यानी वाटर से 15 गुना भारी हो, यानी इनको किस अनुपात में मिलाएं दोनों को इसके 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है? तो देखा जाए, बस भाषा का खेल है, ये सीधा सा एलिगेशन का सवाल हो गया। किसका सवाल हो गया सर? एलिगेशन का। मैंने ये बोला सर ये कितना है सर? ये 20 गुना है। 20 गुना किसका? वाटर का। 20y1 20 गुना वाटर का। ये कितना है सर? 9 गुना वाटर का। इनको कैसे मिलाया जाए कि मिश्रण कितना हो जाए? 15 गुना ऑफ वाटर। समझना सर, एक नई भाषा पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। बस कहानी खत्म हो गई। आपने बोला नीचे रेशियो किसका आएगा, किस अनुपात में मिलाएगा, क्योंकि ये क्या है बुहान? 20 जो भी है, ये 20 जो भी भार ले लो, लीटर में ले लो, किलोग्राम में ले लो, 20 किलोग्राम पर यूनिट रहा होगा, यूनिट मतलब भार। तो नीचे रेशियो किसका आएगा? इनके भारों का आएगा, किस किस अनुपात में मिलाए गए हैं, किस किस अनुपात में मिलाए गए हैं। यानी 20 में से 15 गया 5, कोई दिक्कत नहीं है, और 15 में से 9 गया कितना आ गया सर? 6 आ गया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। तो आपने बोला सर ऐसा सवाल क्यों रखा? मैंने बोला सिर्फ भाषा ऐसी थी कि बच्चे को फील ही नहीं हो रहा था इस पे एलिगेशन लगेगा। आपने बोला फिर आपको कैसे फीलिंग आई? मैंने बोला एक भार दे रखा है, दूसरा भार दे रखा है और उनका एवरेज दे रखा है। एक भार दे रखा है, दूसरा भार दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है। रिश्ते वही सोच नहीं। सोच मतलब लैंग्वेज, रिलेशन मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है सर? तो ये पहला सवाल ऐसे हो गया, ठीक है? तो ऐसी ही प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सामने एक और बहुत प्यारा प्यार, मैं आज सोले मिसलेनियस से क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है? तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो मैंने बोला आपके सामने एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल प्रस्तुत है, देखना पढ़ना। अब सर देखना, मैंने आपसे ये बोला था आपके एग्जाम में 99.99% दो ही क्वांटिटी के एलिगेशन का क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है? साथ में मैंने ये बोला था कि ऐसा नहीं, एलिगेशन 3 पे भी लग सकता है, 4 पे भी लग सकता है,
पांच क्वांटिटी पे भी लग सकता है। उसके साथ फिर मैंने थोड़ी सी और एक सहराते हुए बात बोली थी कि अगर दो से ज्यादा क्वांटिटी पे हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं तो उनसे आने वाली संभावनाएं, आपने बोला संभावनाएं क्या है, नीचे आने वाले रेशियो के जो केसेस होते हैं वो इनफाइनाइट केसेस बनने की संभावना रहती है। तो आपने बोला फिर क्या करा जाए, मैंने बोला वो उस समय पर सवाल के क्या हालात है उस पर डिपेंड करता है। वैसे तीन चीजों पर एलिगेशन लगाया जाए तो नीचे रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं। यानी मैं बोलूं कि तीन चीजों को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोलता हूं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला दूसरी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 70 किलोग्राम है। आपने बोला बहुत प्यारी बात है। हमने बोला तीसरी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है। बड़ी कक्षा होगी, बड़े बड़े विद्यार्थी होंगे, भार ज्यादा रहा होगा। तो हमने बोला इन्हें तीनों कक्षा के विद्यार्थियों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि तीनों कक्षाओं का औसत भार सर कितना हो जाए, माना कि मैं बोलता हूँ कितना हो जाए, माना कि मैंने बोला 60 किलोग्राम हो जाए। मैंने बोला कितना हो जाए सर, 60 किलोग्राम हो जाए। इनफैक्ट ये जो सवाल है वो भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं आपने बोला सर ये तो आपने वही वैल्यू ले ली, मैंने बोला वही है, आप कोई और भार ले लो, आप 50 की जगह 70, 90, 100 कुछ भी ले लो। तो मैंने बोला तो इसमें क्या होता है ना सर, इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। यानी मैंने बोला इनकी किसी भी अनुपात में वैल्यू उठा सकता हूं कि किस अनुपात में वैल्यू उठाऊं कि भार इतना हो जाए, ऐसे कई सारे केसेस बन सकते हैं। तो मैंने बोला उस समय उस सवाल की भाषा पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमें वहां क्या निकालना है। पर वैसे इसका बेसिक एलिगेशन निकालने का तरीका क्या होता है सर, समझना। जैसे इसी सवाल में मैं एलिगेशन लगाने जा रहा हूं, मालूम है इसी सवाल में एलिगेशन लगाने जा रहा हूं, तो मैं बोलूं इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि भाई एवरेज मेरा कितना है 60, ये तो मैंने रख लिया। अब 60 से देखो एक बड़ा एक छोटा हमें लेना पड़ेगा, एक बड़ा और एक छोटा लेना पड़ेगा। तो आपने बोला ले लो सर। तो मैंने बोला एक तो मैंने छोटा 50 ले लिया, ये तो मेरी मजबूरी है। अब बड़े में कौन कौन है सर, बड़े में तो मेरा 70 भी है और 80 भी है, 70 भी है और 80 भी है। तो आपने 70 उठा लिया। आपने बोला 70 ही क्यों उठाया, मैंने बोला 80 उठा लो, मैंने बोला 80 उठा लो, आप कोई भी उठा सकते हो, देखो दोनों से सॉल्व करके बता दूंगा। मैंने ये उठाए तो मैंने बोला सर यहाँ कितना आ गया सर, 60 10 आया और यहाँ भी 10 आया। आपने बोला अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 70 है सर, ये कितना है सर 70 है। अब मैंने बोला इसी 50 के साथ हमने 80 भी पकड़ लिया सर। आपने बोला 80, चूंकि भाई ये छोटा है बाकी दोनों बड़े, यानी इसी 50 के साथ 80 पे लगेगा, इसी 50 के साथ 70 पे लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चूंकि एवरेज में क्या है, एवरेज ऐसा होता है जैसे एक वैल्यू बड़ी एक छोटी। तो अब इसके 60 में लगाने जाऊं, इसके 60 में लगाने, इसी 60 को यहां पकड़ लिया, तो मैं बोलूं मैंने 80 में से 70 कितना आ जाएगा सर 20, और 50 में से 60 में से 50 के तो कितना आ गया 10। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला ये जो बीच में आया होता है इसको जोड़ देते, बीच में आया होता है इसको जोड़ देते। अभी मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो 20 और 10 30, अनुपात 10 अनुपात 10, तो 1:3:1। मैंने बोला ये एक हमारा एक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका जो सिखाया गया है उस तरीके से ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, उस तरीके से ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, उस तरीके से ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपने बोला देखो मैं चाहता तो इसको ऐसे भी रख सकता, समझना मैं ऐसे भी रख लेता। मैं बोलता पहले मैंने 50 पकड़ा और उसके साथ मैंने 80 पकड़ लिया, ठीक है यहाँ 60 रख लिया, समझना कैसे आएगा। मैंने बोला सर 10, ठीक है यहाँ कितना आ गया 20, अब 85 के साथ मुझे फिर 70 रखना पड़ेगा, 60 मैंने यहाँ पकड़ा, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोलूँ यहाँ कितना आ जाएगा 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 10, बीच वाले जोड़ लो तो कितना आ गया सर 3:1:1। देखो इस स्टैंडर्ड तरीके से इसका आंसर क्या हो रहा है, 1:3:1, यानी 1:70 किलोग्राम का लिया जाएगा, 3:50 किलो वाले का लिया जाएगा, तो 1:80 किलोग्राम वाले का लिया जाएगा। ये तो एक संभव सॉल्यूशन है, ये एक पर्याप्त मतलब ये एक होने वाली पॉसिबिलिटी का एक सॉल्यूशन है। इसके वैसे इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, देखो सर आप खुद समझने की कोशिश करना, समझना सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर। मान लो मैं ऐसे उठा लू,
मैं ये कहता हूँ सर, देखो आगे चल के इसके बाद मैं 10 बार एवरेज का चैप्टर उठाने वाला हूँ, तो इनमें उसमें ये बात मेरी बहुत हुआ करेगी। 50 पकड़ा, क्या बात हुआ करेगी, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने बोला 60 किलोग्राम बाहर पर पहुंचने के लिए, मैंने बोला मुझे एवरेज बनाने के लिए ये देखो कि ये कितना ज्यादा है। आपने बोला सर ये 10 ज्यादा है। आपने बोला ये कितना कम है, आपने बोला ये 10 कम है। आपने बोला सर ये बताए ये कितना ज्यादा है, आपने बोला ये 20 ज्यादा है। मैंने बोला देखो अब आगे मैं ये बात बोलने वाला हूँ बहुत प्यारी सी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज 0। आपने बोला ये क्या फटफट प्राप्त कर दिया आपने। मैंने बोला कहने का मतलब ये है कि किसी औसत पर पहुंचने के लिए पूरे ग्रुप का जो लेन देन होता है वो बराबर 0 का होता, तभी एवरेज पर पहुंचोगे। आपने बोला सर फिर कोई पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहने का मतलब ये है कि जिस एवरेज पर आप पहुंचे तो उससे कुछ लोग बड़े रहे होंगे तो कुछ लोग छोटे रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जो पूरा ज्यादा और कम उन सब का जोड़ना घटाना 0 होना चाहिए, यानी जो ज्यादा है जितना भी ज्यादा और जितना भी कम मिला के 0 होगा, तभी हम एवरेज 60 पे पहुंच पाएंगे। कुछ ज्यादा कुछ कम वो 0 हो जाना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एवरेज पर पहुंचने के लिए। मैंने बोला ये माइनस का 10 है, इट मींस ये माइनस 10 और ये हमारे जो ये 30 है, यानी ये और ये मिलके ऐसे रेशियो उठाए जाए कि ये 0 हो जाए। तो हमने बोला ये रेशियो कैसे कैसे उठ सकते हैं। पहला तो मैंने बोला देखो इसका 3 गुना कर लो तो सर कितना आ गया। आपने बोला 30 आ गया। आपने बोला 30 आ गया। मैंने बोला ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 10। तो मैंने बोला ये आंसर क्या आ गया, 1:3:2। यानी कहने का मतलब है इस वाले का 3 भाग लिया जाए, इसका 2, इसका 1। ये क्या पहला स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटी है। आपने बोला और क्या हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला मेरा मन किया इसके 5 उठा लिए सर। कितना उठा लिया, 5 भाग। तो आपने बोला 5 का मतलब क्या है कि ये 50 किलोग्राम के 5 लोग उठाए, तो एक बंदा अगर 10 कम होगा तो 5 लोग 50 कम होंगे। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब मैंने बोला मेरा मन किया मैंने इसको 20 ही उठाया, 20 का मतलब एक ही बंदा मैंने 80 किलोग्राम का उठाया सर, एक ही बंदा है 80 किलोग्राम का। तो मैंने बोला इस क्लास इसका कितने किलोग्राम का बंदा उठा लिया मैंने। मैंने बोला मुझे 50 20 है तो यहाँ 30 बनाना, तो ये कितना उठा लिया सर, 3 उठा लिया। तो मैंने बोला क्या अनुपात हो गए, 3:5:1। अब इसके अलावा आप कितनी भी पॉसिबिलिटी बना सकते हो। आपने बोला मैं एक और उठा सकता था, कैसे कि मान लो मैं इसमें 40 कर देता, तो 40 का मतलब 4 उठाता, 4 × 2 = 40, 20 का मतलब ये तो एक ही रहता, तो मैं इसको 2 गुना कर लेता, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। 2 × 2 = 20 और 20 = 40, 4 × 2 = 40। तो आपने क्या सीखा सर, इसके इनफाइनाइट केस पॉसिबल है, पर स्टैंडर्ड तरीके से यही मेरा 1:3:1 आ रहा। तो आपने बोला पेपर में क्या करें, देखो पेपर की बात आती है आपके SSC एग्जाम के लेवल की अगर बात आती है तो जनरली इसी से आंसर आ जाता है। पर अगर पेपर में ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि आपने ऐसे किया, फिर आप थोड़े से शर्माए, ऑप्शन की तरफ गए, ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ आपने देखा कि भाई मतलब आप जैसे इससे किया कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो कई बार बच्चा जोश दोश में नन ऑफ दीज मार के निकल जाएगा। वो आपने बोला इसका मतलब मैं सही हो जाऊंगा, मैंने बोला बेटा कोई संभावना नहीं है, हो सकता है आप गलत हो जाओ। क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीके से ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे इसमें 1:3:1 भी आंसर है, और भी तो आंसर है, तो हो सकता है उनमें से कोई एक हो। तो आपने बोला ऐसे सवालों से उलझने का, ऐसे सवालों से जूझने का क्या रास्ता होना चाहिए। मैंने बोला इन सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट रास्ता ये है, या तो आप ऐसे ही ट्राई मार रहे हो नहीं हो पा रहा ना, तो आप चुपचाप से ऐसे ही पकड़ लो। कैसे, मैंने बोला सर इस सवाल में 50 था और क्या था 60 था, और क्या था सर 50 था, 70 था और 80 था, जैसे भी दे रखा था। कौन सा कैसे नंबर पर दे रखा था, कौन सा किस नंबर पर दे रखा था, पहले 80 दे रखा था। क्या दे रखा था सर, पहले 80 दे रखा था, फिर कितना दे रखा है सर 70 दे रखा है, और फिर 50, और पहुंचना कहां है 60। तो आप पहले ये देखोगे ये 20 ज्यादा है सर, ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है सर, ये कितना ज्यादा है सर, ये आपका एक का। फिर आप ऑप्शन को उठा उठा के ये देखोगे कि भाई मुझे 0 बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन पर्याप्त है। मैंने बोला 1:3:1 से तो काम नहीं चलेगा, मुझे मालूम है ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसका रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला पीछे वाले का रेशियो पहले में ज्यादा नहीं है, दूसरे में ज्यादा नहीं है, पहले और तीसरे में ज्यादा नहीं है, दूसरे और तीसरे में। तो मैंने देखा इसमें अगर 3:3 रेशियो लूंगा तो 3:6 हो जाएगा, और इसका 1:1 लूंगा
ठीक है, कितना लूंगा सर? 1:1:1, 80:50, तो 3 × 2 = 6, 60 ये आ गया सर। माफ करना, ये कितना है मेरा? माइनस का ही तो 10 है, मैं भी जोश जोश में होश हो जाता हूँ। कितना है सर? माइनस का 10, 10 का 3 गुना करूंगा तो 30, और मैंने बोला 30 10 10, यानी बात बन गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या निकला? आप इस तरह के सवालों को एलिगेशन में न जाके अगर ऐसे छुएंगे तो हो सकता है आपने काफी समस्याओं से बच जाओ। कौन सी समस्या के? धोखे से ऐसा हुआ कि स्टैंडर्ड जो मान आता है वो नहीं निकला, वो नहीं निकला। वैसे तो संभावना हमारी कम रहती है, मजा इसी से आ जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने 3 का एलिगेशन बताया नहीं था तो मैंने सोचा इस पर 4 बातें कर लूं। आपने बोला सर बता देते तो अच्छा होता। मैंने बोला बेटा बताने के लिए तो 3 के एलिगेशन पर अगर मैं जाऊंगा तो उसमें भी हमारा 1-2 लेक्चर चाहिए, पर आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आपके पेपर में ज्यादा गहरी बात नहीं आने वाली। आपने बोला कितने श्योर हो? मैंने बोला 1000% श्योर हूं। आपने बोला ऐसा ज्यादा श्योर क्यों हो सकते हो? क्योंकि मुझे मालूम है कि उस कॉन्सेप्ट की गहराई क्या है और SSC ऐसे सवाल नहीं पूछता। इतने से ही आपका काम चल जाएगा कि 3 का एलिगेशन है या 4 का, 3 की जगह अगर 4 भी होते सर, कितने होते सर? 4 भी होते, कुछ भी हो जाए, ये तो सवाल मैंने कर लिया, 4 भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ऐसा हो जाता। कैसा हो जाता सर? मैंने बोला था कि मान लो एक कक्षा में, मैं ये बोल देता, मान लो एक कक्षा में, या मैं बोल देता 3 प्रकार की टी है। कैसे सर? मैं बोल देता 3 प्रकार की क्या है सर? टी है, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, चाय है 3, मतलब 4 प्रकार की चाय। कैसे रेट की है? एक सर 30 रुपए पर किलोग्राम की है, 30 रुपए पर किलोग्राम की, जानने की कोशिश करना। दूसरी कितने की है सर? दूसरी मैंने बोल दिया सर 20 रुपए पर किलोग्राम की है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला तीसरी कितने की? आपने बोल दिया कि सर तीसरी 50 रुपए पर किलोग्राम की है। मैंने फिर चौथी भी बोल दी, मैंने बोला चौथी जो मेरी है ना वो 60 रुपए पर किलोग्राम की है। ठीक है सर, आपने बोला इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि पूरे मिश्रण का, जिससे कि पूरे मिश्रण का औसत भार समझने की कोशिश करना कितना आ जाए? 40 रुपए पर किलोग्राम आ जाए। तो आप सीधा पता है कैसे पकड़ोगे? आपने बोला ये कितना ज्यादा है? आपने बोला 20 ज्यादा, ये 10 कम है। ये कितना कम है सर? ये 10 कम है। और ये कितना ज्यादा है? प्लस का 10 ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने बोला 20 और 1 30, यानी प्लस वाले ज्यादा है, माइनस वाले कम है। तो एक रास्ता है आप ऑप्शन से उठा लो, यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मालूम है फिर भी जाता। तो मैंने बोला 20 और ये 30 है, इसको मैंने पहले पता है क्या किया सर? 30 इसको मैंने 2 गुना कर दिया सर, 2 गुना, इसको 2 गुना पकड़ लिया, तो ये कितना हो गया? 20 और 10 30, 20 और 10 30, यानी क्या अनुपात आ गया? 2:1:1। पर आपने बोला हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, हो सकता है मैच ना करे, तो आपने बोला फिर ऑप्शन उठा के देख लो कि जिससे आपका 0 हो जाए क्या हो जाए सर? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप 0। आपने बोला इसका मतलब लेन देन 0 होना चाहिए, जितना लिया जा रहा उतना ही दिया जा रहा है। आपने बोला सर कहानी पूरी पढ़ लेनी पड़ रही, तो इस चैप्टर के जस्ट बाद में एवरेज का चैप्टर प्रारंभ करने वाला हूं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्यारा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एवरेज। बहुत कुछ कराने के लिए है, आपने कहीं भी देख रखा हो, किसी भी चैनल पर देख रखा हो, आपने किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपका कुछ न कुछ नजरिया बदलेगा, कुछ न कुछ गहराई आपकी बिल्ड होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो वहां पर ये चर्चा बहुत होती है लेन देन की, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि ग्रुप में आने के लिए कुछ लोग देते हैं कुछ लोग लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने बोला यार सभी लोग पार्टी करते हैं, समझना मेरी बात, आपने बोला सर सभी लोग पार्टी करते तो कैसे करेंगे सर? कॉन्ट्री करके करेंगे। कॉन्ट्री का मतलब सब लोग पैसे इकट्ठे कर लें। तो कई बार देखो क्या होता है, जैसे जनरली आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होंगे कि भैया वो पैसा नहीं खर्च करते लेकिन हर पार्टी में पाए जाते, हो सकता है आपके दोस्तों में ऐसे हो कि वो हर पार्टी में पाए जाएंगे, और उनकी उनका एक जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो नेचर होता है, उनका एक स्वभाव होता है कि उनके बिना पार्टी अधूरी रहती है, लेकिन वो बड़े कंजूस होते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है वो ना ही लेते हैं ना ही देते हैं लेकिन पार्टी में जरूर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस पार्टी में अलग अलग तरह के लोग होंगे। आपको 2000 रुपए जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं सर? 2000 रुपए जोड़ने। पार्टी में कुछ लोग, कोई बंदा मान लो 5 लोग हैं,
तो हो सकता है कोई 1,000 दे दे, कोई 500 दे दे, कोई 100 दे दे, कोई बोले नहीं यार मैं तो सिर्फ लाऊंगा पैसा कुछ नहीं दूंगा। तो ग्रुप में क्या हुआ, कॉन्ट्री हुई और आपका एवरेज रुपए बने कितने, 2,000। तो मैं बोलूंगा उस 2,000 रुपए में कुछ लोगों ने ज्यादा दिया होगा उस एवरेज पर पहुंचने के लिए, कुछ ने उस एवरेज पर पहुंचने के लिए कम दिया होगा, लेकिन उस एवरेज को 2,000 बनाने के लिए जो लेन देन रहा होगा वो 0 रहा होगा। यानी जितने 2,000 से कुछ लोगों ने कम दिए होंगे तो कुछ लोगों ने 2,000 से उतने ही ज्यादा दिए होंगे। एवरेज आपको कितना बनाना है, 2,000। समझ रहे हो मेरी बात, बाकी इस गहराई को और समझा जाएगा चूंकि एवरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने इस बात को इसलिए कर दिया कि बच्चा इस चीज पर कंफ्यूज हो जाता है कि पेपर में कभी भी लगाकर ही तो एलिगेशन का सवाल लग रहा है, कैसे लगाए। तो मैंने बोला घबराना मत, एवरेज का ही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व हो जाता है। ठीक है सर मेरी बात, मैं चाहता तो इसमें चला जाता तो एक तंगड़ा वाला लेक्चर होता है 3 के एलिगेशन वाला, पर वो आपके काम का नहीं है। ठीक है मेरी बात, कई बार मुझे बच्चे बोलते नहीं सर करा दो। हाँ कभी अगर फिर भी मन लगा, फिर भी आपको लगा नहीं पेपर में ऐसे सवाल आने लग गए, तो मैं एक लेक्चर, देखो हमारा लड़ाई लर्निंग तो हमारी एग्जाम तक चलती रहती है। ठीक है, पर क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिलेबस बहुत बड़ा होता तो मैंने बोला था कहीं लिमिट लगानी पड़ती है। समझ पा रहे हो सर, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बातें कर दी कि हाँ भाई आप समझ जाओ कि अच्छा ये बात है। ठीक है सर, आगे बढ़े, थोड़ी सी सोच बन गई। ठीक है बन गई सर सोच। अगर आप बोलते सर 4 पे एलिगेशन लगाना होता तो कैसे करते, मैंने बोला इसमें भी वैसे ही कर लो। आपने बोला कैसे कि भैया एवरेज में कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो उसमें मान लो एक ही अगर छोटा है तो एक को पकड़ के तीनों के साथ लगा दो, फिर बीच का जोड़ दो, बीच का जोड़ दो, फिर ज्यादा गहरा हो जाएगा मत जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पूरी गहराई में घुसेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। ठीक है मेरी बात, तो अभी मैं रोक दे रहा हूं, इसमें जाने की आपको आवश्यकता नहीं, 1000% आवश्यकता नहीं। फिर भी मुझे फील हुआ आपको लगा नहीं नहीं सर हम जानना चाहते, आपके कमेंट ये कहते तो मैं रख दूंगा। ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखना ये सवाल बड़े पेशेंस वाला है, ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चे जो अगला मैंने सवाल आप पढ़ रहे होंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करते। कल पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे, पेपर में आ भी सकते नहीं भी आ सकते, सबसे बड़ी बात है इनमें कोई हथियार आप यूज नहीं करते, एक पेशेंस के साथ आप सोल्व कर रहे होते हो। क्या सवाल है सर, समझने की कोशिश करना, ये सवाल आपके अगर ऐसे सवालों में आप मिस्टेक नहीं करते हो पहली बार, थोड़ी स्पीड भी सही रहती है, गलती भी नहीं करती, इसका मतलब आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे। ये सवाल ये बताते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, बाकी देखने में तो बड़ा आसान लगेगा लेकिन पेपर में बच्चा जल्दी कर रहा होता तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे सवालों में गलती होती जो आज करें और कल जो करे थे मैंने। ठीक है इस सवाल को जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है तो पढ़ो ट्राई मारो फिर मुझे देखो। क्या कह रहा, समझना सर बड़ा पेशेंस का सवाल है ये। मैंने बोला 2 बैसल हैं, आपने बोला बहुत खुशी की बात है। कैसे हैं कि सर 1 बैसल तो पूरा पूरा भरा हुआ है, आपने बोला बहुत खुशी की बात है भरा है, एक यहां तक भरा है सर पूरा, दोनों की कैपेसिटी समान है, ये बोला समान कैपेसिटी। अगर मान लो कुछ नहीं बोलता वो, ये बोलता ही नहीं दोनों की कैपेसिटी समान है, तो हमेशा हम समान मान के चलते। आपने बोला अगर ऐसा बोल देता एक ही दूसरे से 2 गुनी है तो फिर जो बोल दे वो मानेंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो समान मानेंगे, अगर जो बोल दे वो मानेंगे, कुछ नहीं बोला तो समान, बाकी वो जो बोले वो मानेंगे, बाकी तो इसमें समान बोला है। ठीक है इसमें कह रहा है एक फुल भरा है, एक 1/3 कैपेसिटी भरा है, कितना भरा है सर 1/3 कैपेसिटी। तो मैंने बोला अब क्या किया जाता है, पहले इसमें से इसमें डाला जाता है, क्या है पहले बर्तन में, क्या इसमें तो सर मिल्क भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है सर दूध, दूध तो आप जानते ही हैं सर, क्यों दूध तो सभी जानते हैं, दूध तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कौन भरा पड़ा है सर पानी, और पानी तो हमारा जीवन होता है सर, पानी हमारा जीवन होता है। ठीक है सर इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मिल्क, होता क्या है पहले इससे इसमें डाला गया, ये भरना है, भरने का मतलब क्या समझना सर, मैं अभी बैकग्राउंड वाला हूँ, भरने का मतलब ये इसमें 2/3 कैपेसिटी भरी जाएगी, 1/3 और दे दिए, फिर क्या कहता है इसमें से पूरा मिश्रण इसमें डाला गया, पूरा मिश्रण इसमें डाला गया, और फिर क्या कह रहा है और भी डाला जाता है, क्या कह रहा है दो समान डालते हैं, मैं पढ़ लेता हूं, देयर आर 2 बैसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 1 फुल ऑफ मिल्क एंड द सेकंड इतना हो गया, द सेकंड बैसल इज नाउ फिल्ड अप आउट ऑफ द फर्स्ट, द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड आर देन पोर्ड बैक इनटू द फर्स्ट टिल इट इज फुल एंड देन अगेन। अच्छा फिर से डाला जाता, पहले इसमें से ये डाला गया, फिर यहां से पूरा भर के यहां भरा गया, फिर यहां से इसमें हुआ क्या होगा सर, पानी और
पानी और दूध का अनुपात बदलेगा बार बार, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फाइनल मिश्रण में क्या पूछ रहा है, ये बता रहा हूँ, सारे कार्यक्रम होने के बाद हमारे सेकंड वेसल में दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या, पीसेस वाला सवाल है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे को ये आती है कि भाई मैं कैसे करूँ, एक्स मान के चलूंगा आतंक मच जाएगा। हमें ये मालूम है कि सर दोनों बराबर कैपेसिटी के, अपनी इच्छा से आप कुछ नहीं मान लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको एक मान लो, इसको वन थर्ड मान लो, ठीक है। बाकी बहुत सारे समझदार लोग ये बोलते हैं कि भैया वन थर्ड हो रहा है तो आप तीन का मल्टीपल मानो, और दो तीन बार हो रहा है तो कोशिश करो कि कैसा मान लो, 3 3 9 27 मान लो, ठीक है। वो फीलिंग आने लग जाती है, किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है। क्या 27 मान लो, वन थर्ड निकलेगा, फिर वन थर्ड यानी बात बन जाएगी, चूंकि 27 ये मानूंगा, या फिर मैं और भी बड़ा मान सकता हूँ, 54 भी मान सकता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। बाकी फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे बच्चों को ये बात बड़ी गंदी लगती है, मैं तो फ्रैक्शन में ही चल लेता हूँ। आपने बोला है ये तो बहुत ही गंदी बात है, मैं तो फ्रैक्शन से ही काम चला लेता हूं, मेरा तो मुझे ऐसा मजा आ जाता है, अगर मुझे दिक्कत लग रही हो तब मैं वैल्यू भी मानता हूं, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन से भी, फ्रैक्शन आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं तो इसको सर एक मान लूंगा, इसको वन थर्ड मान लूंगा। आपने बोला इससे भी हो जाएगा, हाँ मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी मान सकते थे, कैसे, कि भाई इसको 27 मान लेते, ठीक है, 27 इसका वन थर्ड कितना हो जाएगा, 9, इसको 9 मानते, ऐसे भी हो जाएगा। तो आपने बोला मैं कैसे करूं, आपको जैसे अच्छा लगता है, ठीक है, हम इसको वन थर्ड और वन मान के भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी चलो मैं 27 मान के कर देता हूं आपको। बच्चों को जनरली गंदी लगती है ये बात, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें क्या ज्यादा घटाने बढ़ाने की टेंशन नहीं रहती। पर बच्चों को चूंकि बुक्स वगैरह में या जनरली टीचर्स में ऐसी वैल्यू मान के कर रहे होते तो बच्चों को समझने में ज्यादा आसान लग रहा होता है, पर मुझे फ्रैक्शन वाला मजा ज्यादा देता है। पर अपनी सोच है, मैंने बोला क्या कह रहा सर, पहले में मिल्क और वाटर की बात। आपने बोला क्यों, विद वाटर तो है ही नहीं तो क्यों लिया गया, क्योंकि सर वाटर की बात कर रहा, थोड़ी देर में आएगा। तो जो चीज आती है ना उसका पहले से ही हम इंतजार कर लेते हैं, जो चीज आने वाली है उसका हम पहले से ही इंतजार करते हैं, ठीक है। इसमें वाटर है तो इसमें भी कौन आने वाला है, सर मिल्क, तो सर इंतजार करना पड़ेगा। इसमें क्या है सर, 0 और वन थर्ड भरा हुआ है तो 9, बस कुछ नहीं करना, फेर बदल करना है। आपने बोला ये सवाल तो सर हम खुद भी कर सकते थे, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते थे, पर पेशेंस की चीज सिखाने के लिए मेरी सिर्फ एक प्रैक्टिस कराने की उम्मीद थी। मैंने बोला कैसे बढ़े सर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपने बोला इससे बंथर निकाला गया है, तो मैंने बोला सर पहले ऑपरेशन, बाकी कुछ बच्चे इतना चलते भी नहीं, वही के वही कर लेते हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। मैंने बंथर्ड निकाला गया होगा तो 27 का टू, मतलब बंथर्ड क्यों निकाला जाता है, ये तो टू थर्ड खाली, तो टू थर्ड चला जाएगा, बंथर्ड रह जाएगा, तो बंथर्ड 3 × 27 रह जाएगा। अभी तक दूध का तो पानी का तो कोई नामो निशान नहीं है, और 9 रह जाएगा, टू थर्ड चला जाएगा, 18 चला जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, 18, कितना आ गया सर, 18। वाटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मिल्क है सर, हमने उल्टा क्यों कर दिया, ये मिल्क है, मिल्क मतलब एम, ठीक है। अब आप क्या करो, फिर इसका क्या निकाला जा रहा है सर, फिर इसका वन थर्ड, मतलब टू थर्ड निकाला है। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, टू थर्ड का वन थर्ड, चूंकि मुझे मालूम वन थर्ड भरा है तो निकाला कितना जा रहा है, टू थर्ड, ठीक है, जब भरा जाएगा तो टू थर्ड, ठीक है, जैसे टू थर्ड निकाला गया होगा ये खाली हो गया होगा। तो मैंने बोला टू थर्ड अगर मैं निकाले जाऊंगा तो ऑपरेशन नंबर टू, दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा होगा, इसका भी 2/3 निकलेगा, इसका भी 2/3 निकलेगा। तो देखो 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12, कितना सर, 12, 12 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए सर, 21 हो गए। मैंने बोला ये कितना आ गया, इसका भी टू थर्ड आ गया, तो कितना हो गया सर, 3 × 2 = 6। कोई नाराजगी सर, यहां तक मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, कोई जल्दबाजी में गलती ना हो, टू थर्ड निकाला जा रहा है। तो हमारा कितना हो गया, देखो 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12, यहाँ रह कितना गया, जितना यहाँ निकला है तो यहाँ निकला कितना है सर, हमारा 12 निकला है और 6 निकला है, तो 12 कम कर लो और 6 कम कर लो। वैसे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम वहीं के वहीं कम कर देते। तो मैंने बोला सर कितना रह गया, 12 और 6 = 18 होते, ये 3 होते सर, इतना रह गया, बस एक सिस्टम और बाकी है, एक सिस्टम और बाकी। मैंने बोला यहाँ कितना हो गया सर, आपने बोला 21 ये हो गया, 6 ये, फिर क्या इसका टू थर्ड निकाल दो, बस अब काम खत्म हो गया। टू थर्ड निकालने जाऊंगा तो 3 × 7 = 21 और 7 × 2 = 14। मैंने बोला मैं क्या करूं अब सर, अब इसका फिर से टू थर्ड निकाल दो, फिर इसका फिर से टू थर्ड निकाल दो। मैंने बोला अब इसके बाद तो मेरा काम खत्म हो गया, बस यहीं तक पहुंचना था। बड़ा पेशेंस का सवाल था, पेपर में आप खुद करना तो गलती हो जाती है बच्चे से। आपने बोला नहीं सर ये तो सिंपल बात थी, बच्चा कर जाता है, क्या करें, बच्चों की आदतें खराब होती, थोड़ा और एक दो बार हो गया,
पेपर में ऐसा आ सकता है एक दो बार वाला, आ जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही होती है और आपका कॉमन सेंस चेक किया जाता है, आपकी कैलकुलेशन पर पकड़ चेक की जाती है, आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, ठीक है। तो मैंने बोला सर इसका 2/3, तो 3 7 21 और 7 2 14, बस मजा आ गया, 14 इसमें प्लस हो जाएगा, इसका 2/3 कितना होगा, 3 2 6 और 2 2 4, बस काम खत्म हो गया। कितना आ गया सर, 20:7, मैंने ऑप्शन देखा, मैच कर गया, मजा आ गया। अब एक सवाल अगला है, उसको निश्चित रूप से आप ट्राई करो, आपके सामने फिर एक सवाल प्रस्तुत है। ये सवाल हमारे स्टेमिना को मजबूत करते हैं, हमारी कैलकुलेशन पे बड़ा पकड़ बनाते हैं। आपने बोला इसमें तो ऐसी कोई कैलकुलेशन थी नहीं, मैंने बोला इसमें बार बार इधर से उधर हो रहा है, वो सारा डेटा याद रखना है ना बड़ा जरूरी होता है, तो बच्चा बार बार सोच रहा होता, सोचना नहीं, एक बार दिमाग में बैठ गया कर दो। तो ये सवाल ने पड़े लगते गंदे, इन बोला ना यार इनमें तो कोई ट्रिक भी नहीं लगी, इनमें तो कोई बड़ा लंबा लंबा हुआ है, पर ये सवाल हमारे लिए मजबूती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद भी जानते हो जनरली मैक्सिमम चीजें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, मैक्सिमम चीजें, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, उनके टेस्ट जनरली खराब होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छी होती है उनके जनरली टेस्ट खराब होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए कौन सा, देखो आपके सामने प्रस्तुत, इसमें क्या कह रहा है सर, इसमें कहानी थोड़ी सी और गंभीर बनाई, थोड़ी सी और विचारणीय बनाई, थोड़ी सी और पेशेंसफुल बनाई, ठीक है। क्या कह रहा है, दो समान आयतन वाले, अब इसमें कह रहे दो है ना समान आयतन है, ये भी समान ये भी समान, इसमें भी बड़ा भाषा के साथ दुरुपयोग किया गया है। दो समान आयतन वाले कनस्तन है जिनमें अल्कोहल, वाव अल्कोहल देख के बहुत सारे लोगों का मन कर जाता है, तथा पानी का अनुपात, तथा पानी, पानी मतलब वाटर, कितना दे रखा सर 1:3 दे रखा, बहुत खुशी की बात है। दूसरे में पहला, दूसरे में क्या दे रखा सर, दूसरे में हमारा पहले में दे रखा सर 1:2, कितना सर 1:2, और दूसरे में अल्कोहल तथा पानी का जो अनुपात है ना वो कितना दे रखा है सर, कितना दे रखा है 1:3 ये दे रखा। अब क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज पोर्ड इन टू द सेकेंड कंटेनर एंड देन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, अच्छा इसमें तो एक ही बार किया गया, एक बार यहां से यहां और यहां से यहां, मैंने बोला फिर भी ठीक, फिर भी शांति मिली, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक बड़ा मजाक हुआ, कई बार बच्चा जोश जोश में ऐसा सोच जाता है, जो लोग ज्यादा सपने सोचते हैं ना एक लिमिट से ज्यादा गहराई में सपने सोच जाते हैं, बहुत कुछ सोच जाते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन कर जाते हैं, वो बच्चा ये सोचेगा, खासकर ये बहुत थोड़े ज्यादा हमारे एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं, वो बोले यार ये भी भरा हुआ ये भी भरा हुआ, तो फिर इसमें आधा डाला कैसे जाएगा, इसमें आधा डाला कैसे जाएगा, तो ये तो डाला नहीं जा सकता, ये तो फैल जाएगा, बच्चे के दिमाग में ऐसी बुद्धि चली जाती है। एक बता बोलेगा यार हो सकता है खाली हो, पूरा भरा ना हो, तो बोलता है अच्छा पूरा भरा नहीं होगा तो फिर हमें हमें कैसे मालूम है इसमें कितना है इसमें कितना। तो ऐसे सवालों बच्चे हम अपनी तरीके, मैं बोलता हूँ कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती, मतलब सवाल बोलता नहीं है लेकिन होती है, सवाल बोलता नहीं है लेकिन होती है, कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती है, जैसे फीलिंग, फीलिंग होती है लोगों में, दिखती थोड़ी, ऐसा थोड़ी कहेगा आदमी के 3 लीटर आज फीलिंग आई मुझे, नहीं आती, होती नहीं दिखती, इनडायरेक्ट चीजें होती हैं, छिपी हुई चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये है इनमें देखो बर्थ इसमें से इसमें डाला जाता है, तो कहने का मतलब इसमें जितना भी भरा हुआ होगा, फुल नहीं भरा हुआ होगा, ठीक है, जितना भी भरा हुआ होगा उतना ही इसमें भरा हुआ होगा, मान लो इसमें अगर 5 लीटर तो इसमें भी 5 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, उसका आधा डाला जा रहा है, ठीक है मेरी बात, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फैलेगा या नहीं फैलेगा, हमें मतलब ये है कि निश्चित रूप से ये खाली रहे होंगे लेकिन जितना इसमें भरा उतना इसमें भरा, दोनों की कैपेसिटी समान है, ठीक है मेरी बात, बस हमारी टेंशन क्या है कि जितना इसमें भरा उतना ही इसमें भरा। मैंने बोला अच्छा सर, तो मैंने ये बोला ये 2:1:3 रेशियो के हिसाब से तो सर ये कितना भर रहा है, सर रेशियो के हिसाब से तो गुरु 3 भर रहा है, ये रेशियो के हिसाब से कितना भर रहा है 4, तो मैंने अब मैं क्या करूं, मैंने बोला मैं क्या करूं, तो मैंने बोला कम से कम मैं इधर 3 का गुणा कर लूं, उधर 4 का, इधर 4 का उधर 3 का, तो 4 × 4 समझना 4 × 2 = 8 और 3 × 3 3 × 9। फिर मैंने ये सोचा, आपने बोला मैंने ये सोचा, मैंने बोला जब इसका 1/2 निकालूंगा फिर उसका हाफ निकालूंगा, तो मैंने बोला 12 12 से काम चल जाएगा, तो एक बच्चा बोला सर पता नहीं चला क्या नहीं, तो हम कई बार ऐसा भी कर लेते हैं इसको 40 80 30 90 भी मान लेते हैं, चूंकि हाफ हाफ निकालेंगे तो काटने में आसानी हो, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला कब घबराने की आवश्यकता नहीं, कि फ्रैक्शन से नहीं डरना चाहिए, मैं चाहूं तो इस सवाल को भी फ्रैक्शन से कर सकता हूं, इस सवाल को भी मैं फ्रैक्शन से कर सकता हूं, मुझे डर नहीं लगता, ठीक है आपको भी नहीं लगना चाहिए।
तो घबराना नहीं होता, आप चाहते तो 40-80 मान लो, मैं तो यही मान के चल लिया, मैंने बोला मेरे लिए काफी है, मैंने बोला मेरे लिए काफी है, बाकी आप मानना चाहे तो थोड़ा और, एक अपनी इच्छा से आधा आधा किया जा रहा है तो एक डबल और कर लो, इसको भी इवन बना लो, इसको भी इवन बना लो। तो मैंने बोला अगर डबल डबल कर लेंगे तो 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 3 × 2 = 6 और 9 × 3 = 18। अगर फिर भी काम नहीं चला तो जो फ्रैक्शन आएगा मैं देख लूंगा, इतना भी घबराना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, इतने से काम चला लूंगा। वैसे हम चाहते तो मैं कहना चाह रहा हूँ 0 भी बढ़ा सकते हैं, इसमें टेंशन ना हो, पर इतना भी घबराने वाली बात नहीं। ऐसा नहीं हो रहा कि सर नहीं बढ़ाना चाहिए था, सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, ये तो बहुत नालायकी वाली बात है। तो इन छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। अब मैंने बोला क्या किया जाता है, आधा इसमें से इसमें डाला जाएगा, फिर इसमें डाल के अनुपात पूछा जाएगा। मैं फिर भी एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ, क्या करा, दो समान आयतन वाले कनस्तर है जिनमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:2 और 1:3 है, ठीक है सर, पहले कनस्तर का आधा भाग दूसरे कनस्तर में डाला जाता है तथा पुनः दूसरा कनस्तर का आधा भाग पहले कनस्तर में डाल दिया जाता है, तो अब पहले कनस्तर का पूछा सर, पहले कनस्तर में हमें क्या पूछा, एल्कोहल और वाटर का अनुपात, बस कुछ नहीं करना, सिंपल से सवाल, लेकिन फिर भी मैंने आपकी कैलकुलेशन के पकड़ बनाने के लिए, कैलकुलेशन नहीं मैं बोलूंगा कि आप जो छोटी छोटी स्ली मिस्टेक पे पकड़ बनाने के लिए ऐसे सवालों को करना बहुत आवश्यक होता है जो आज की और कल की है, ठीक है। तो मैंने बोला पहले इसका आधा डालूंगा, आधा डालूंगा तो सर कितना जाएगा, यहां से समझना, यहां से मेरा मैं लिख लेता हूं कि भाई 4 जाएगा और 8 जाएगा, ठीक है, आपकी सोच के लिए इसमें 4 जुड़ जाएगा और 8 जुड़ जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर उसका आधा उठा लाऊंगा सर, फिर मैं उसका आधा उठा लाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इसका जब आधा मैं उठा के लाऊंगा तो 6 × 4 = 10 का आधा कितना उठ के आ जाएगा सर, आपने बोला 5 उठ के आ जाएगा, मैंने बोला भाई 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है, 26 का आधा कितना उठ के आ जाएगा, आपने बोला सर 13 उठ के आ जाएगा, कितना उठ के आ जाएगा सर 13, बस वही मजा आ गया, आपने बोला मजा आ गया, मैंने बोला हाँ जी, कैसे आया देखो समझना, 4 गया था 5 आ गया, तो मुझे कितना जोड़ना, 8 और 1 = 9 जोड़ना है सर, मैंने बोला 8 गया था 13 आ गया, तो 8 × 5 = 13 हो, तो 5 और जोड़ दो तो कितना हो गया सर 21 हो गया। काटने की इच्छा रखते हो, आपने बोला हाँ जी सर हम बिल्कुल रखते, कैसे, 3 × 9 = 73 = 21। तो देखो मैं, आप ये नहीं कह सकते ये सॉल्व करने में बड़े गंभीर है या डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप खुद किए होगे, फिर मैंने जो किया है कुछ ना कुछ आपको लगा होगा, अच्छा अच्छा ये एक बात तो इसमें सीखने की थी। तो कई बार छोटी लर्निंग भी एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक होती है, जो कई बार बच्चा पेपर में एक अच्छी पोस्ट से 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है, समझ रहे मेरी बात, तो वो 1 नंबर आपका क्यों कम पड़ा है, कम तो ऐसा तो नहीं है कि SSC की वजह से कम पड़ गया, आपकी दो औरों के आपसे नंबर ज्यादा आ गए इसलिए कम पड़ गया, तो आपने कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक मारी होगी, कुछ ना कुछ आपके साथ कमजोरी रही होगी किसी भी तरह की, इस वजह से आप औरों की तुलना में 1 या 2 नंबर पीछे रह गए, ठीक है। इसी स्वभाव के साथ, इसी सोच के साथ, इसी बकवास के साथ, इन्हीं बातों के साथ आपके सामने एक और अगला प्यारा सा सवाल प्रस्तुत है, करने की कोशिश करें, देखना सर ये बड़ा गंभीर सवाल है, बड़ा सोचनीय सवाल है, बड़ा ही विचारणीय सवाल है, समझना सर मेरी बात, समझना क्या कह रहा, ये एक लिक्विड है एक्स, ये कह रहा है ये जो लिक्विड एक्स है ना वाटर से कितना हैवी है, ये कह रहे हैं सर 1/3/7, तो मैंने 1/3/7 को कैसे कर लिया, 7 × 7 = 10, यानी अगर सर ये 7 है, कितना, अगर ये 7 है तो सर ये कितना है गुरु, ये 10 है। और आगे क्या कह रहा है, और ये कह रहा है एक और लिक्विड वाई है, बाई क्या है, बाई भी लिक्विड से कैसे है, कैसे है सर देखना, इसमें उल्टा बोला है, बाई से पानी के बारे में बोला, कितना भारी है सर 1/2/5, यानी 5 × 5 = 7, यानी ये अगर 5 है तो ये कितना है 7, बड़ा खुशी मिली कि इधर से भी 7 इधर से भी 7, नहीं तो फिर मामला गंभीर हो जाता, गुणा करने पड़ जाते, ठीक है, समझ पा रहे हो, रेशियो में सीख रखे हो क्या कहना चाह रहा हूं, रेशियो में सीख रखे हो क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने बोला अब क्या कह रहा है सर, द अमाउंट ऑफ लिक्विड एक्स, हमने बोला इसका कितना अमाउंट लिया जाए, अमाउंट मतलब कितना लीटर, कितना किलोग्राम, क्योंकि लिक्विड है तो लीटर रहा होगा, ठीक है सर, ठोस होता तो किलोग्राम होता, कितना लीटर लिया जाए, कितना लीटर लिया जाए कि इसके 7 लीटर के साथ, यानी इसका तो मैंने 7 लीटर ले लिया, ये कह रहा कि इसका तो ले लिया मैंने 7, अब बता दो इसका कितना लो, आगे क्या कह रहा है, जिससे उतनी ही मात्रा,
उतनी ही मात्रा, मतलब ये प्लस ये, मैंने बोला माना कि इसका कुछ है, मान लो पी है, तो ये प्लस मतलब पी प्लस 7 के साथ लेने पर भार समान हो, पानी के समान हो भार। आपने बोला मतलब ये तो खिचर मिचर चिचिर हो गई। सवाल ये कहना चाहता, फिर से पढ़ो जी, कह रहे इसका 7 लीटर लू और इसका कितना लू, कि उतनी ही मात्रा अगर पानी की लू तो भार समान हो। आपने बोला मतलब कि जितना भार पानी का है उतना ही इस मिश्रण का है, मतलब जितना पानी का है उतना ही मिश्रण का है, कि मिश्रण को कैसे लूं, कि मिश्रण का जितना भार है उतना ही पानी का है। इनके भार किसमें, ये 10, इसका समझ, इसका मतलब क्या, 7:10:5, इसका मतलब ये है कि लेट से मैंने कोई लीटर ले लिया, कोई भी लीटर लिया, कोई भी एक मैंने एरिया ले लिया, उसमें अगर पानी, एक एरिया मैंने ऐसे ले लिया कि भाई इतना एक वो है, इतना एक कोई कोई भी डब्बा है इतना गहरा, इसमें अगर पानी डालता हूं तो मान लिया जाए उस पानी का भार 7 लीटर आता है, तो उतना ही अगर लिक्विड एक्स डालो तो उसका 10 लीटर आएगा, उतना ही भरा हुआ अगर लिक्विड वाई डालो तो उसका 5 लीटर आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी अगर उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर पर्टिकुलर वॉल्यूम में वाटर अगर 7 भार है तो ये 10, यानी ये 7 लीटर, तो ये 10 लीटर, ये 50, ये 70 लीटर, तो ये 100 लीटर, ये 45 लीटर। अब क्या कह रहा है सर, अब ये कह रहा है सर कि इन दो, इस मिश्रण को मैं कैसे लू, इसका 7 ले रहा हूं तो इसका बता दो कितना लू, कि इस पूरे मिश्रण का वही भार हो कि जितना पानी की उतनी मात्रा का, उतनी जितनी इन दोनों की मात्रा ली गई है। आपने बोला हाँ सर, थोड़ा सोचनीय सवाल है, थोड़ा विचारणीय सवाल है, इसको कैसे कैसे कर सकते। एक तो हम ऐसे सोच सकते थे, कैसे, मैंने बोला माना कि इसकी मात्रा 10 ली, तो मैंने बोला इसका 10x लूंगा, ठीक है, एक्स मतलब पी माना, तो पी मान लेता हूं कि इसका मैं 10 पी लूंगा, समझना, तो एक यूनिट का 10 है तो पी का 10 पी हो जाएगा भार, एक यूनिट का 10 भार है तो पी का कितना हो जाएगा, 10 पी। तो मैंने बोला इसका कितना लू सर, मैंने बोला इसका 7 × 5 ले लू, 7 लीटर 5 के हिसाब से, और क्या होकर चाहिए, इसके पी प्लस 7 के बराबर होना चाहिए। आंसर आ गया सर, आंसर आ गया सर, आ गया सर। तो मैंने बोला कर लो सर सॉल्व, देखो 7 पी 10 पी तो कितना हो गया, 3 पी, कितना पी, 3 पी, कितना पी, 3 पी। मैंने बोला 7 × 5 और 7 × 7 इसको ले जाऊंगा तो कितना रह जाएगा सर, 7 × 2 रह जाएगा, तो मैंने बोला पी कितना आ गया, 7 × 14 / 3 लीटर। इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो मेरा बोला 3 × 12, ठीक है, और 2/3 लीटर, 2/3 लीटर। आपने बोला ये कैसे पता लगा ये लीटर होगा, क्योंकि हमने एक लीटर इसमें डाल दिया, कौन सा, 7 लीटर डाल दिया, कहीं डाला होगा, डाला होगा, डाला होगा, ये 7, तो ये 7 लीटर हो गया, तो सब लीटर में आएगा। अगर ये किलोग्राम में होता सब किलोग्राम में आता, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सब सेंटीमीटर में आता, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। इसको हम वैसे तो एलिगेशन से भी सोच सकते थे, पर कई बार बच्चा इसको विचार करने में मुश्किल में आ जाता है। आपने बोला एलिगेशन से कैसे सोचते, मैंने बोला मिश्रण ही तो है ये, तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया इसका एवरेज, इसका भार 10 है, इसका 5 है, इनकी कितनी मात्रा ली जाए, इसकी 7 ली जा रही है तो ये कितनी ली जाए, जिससे इनका जो औसत भार है वो कितना होना चाहिए, उतने ही भार का, यानी औसत भार, भार इसका और इसका टोटल वही है, तो कितना होना चाहिए सर, 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर, 7, औसत भार कितना होना चाहिए सर, 7 होना चाहिए। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चूंकि उतना ही भार, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको इसको किस अनुपात में लाऊं, औसत भार कितना हो जाए मेरा, 7 हो जाए। आपने बोला मजा आ गया, मैंने बोला 7 में 10 के तो सर कितने बचते, आपने बोला 3 बचते, ये 7 लीटर है। मैंने बोला 7 में से 5 के तो कितने बचते हैं, 2, तो मैंने बोला 3:7 अगर 7 लीटर है तो 1:7 कितना हो जाएगा, 7/3, तो 2:7 कितना हो जाएगा, 7×14/3, मैच कर गया। आपने बोला हाँ सर मैच कर गया, तो मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल को करने में थोड़ा कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, कुछ सोचनीय बात बनी होगी, कुछ विचारणीय बात बनी होगी, ठीक है सर। कुछ और मैं कुछ सिंपल से और प्यारे से सवाल रखता हूँ, आज मैं रख रहा हूँ कहीं से भी रैंडम सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बांध मती ने कुलवा जोड़ा, ठीक है, ये कहावत होती है। आगे देखो एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, क्या कह रहा भैया, देखना इसमें ये कह रहा सर कि पहले एक वाटरमेलन में 20 किलोग्राम का, कितना सर, 20 किलोग्राम का, समझ रहे हो, ये कह रहा इस वाटरमेलन में क्या है,
पानी कितना परसेंट है सर? 96% है। बाकी क्या रहा होगा? बाकी सर पल्प रहा होगा। आपने बोला पल्प क्या होता है? जो उसका ठोस पार्ट होता है। आप कोई भी चीज उठा लो, तरबूज उठा लो, खरबूज उठा लो, आम निकाल लो, पानी के साथ कुछ पल्प भी होता है जो उसको हम बोलते हैं, जो गूदा जिसको बोलते हैं, सुखा दो तो गूदा रह जाएगा। जैसे किशमिश होती है, किशमिश को मतलब आप अंगूर को जो सुखाते हो, अंगूर को सुखाने के बाद क्या बनती है किशमिश? जब तक अंगूर रहता है उसमें पानी बहुत होता है, किशमिश में पानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। पूरी तरह से तो खत्म नहीं होता, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो राख बन जाएगा। जब तक राख नहीं बना है तब तक पूरी तरह से खत्म हो जाता है, खत्म नहीं हो सकता। आपने बोला राख भी तो रबी होती है। मैंने बोला उस समय खत्म हो गया होगा पानी, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म, मतलब खत्म ही हो गया होगा। उसके बाद तो नमी तो आ जाती है किसी भी चीज में। आदमी भी तो मरने के बाद मोटा हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी खाने पीने की वजह से मोटा हो गया। कई बार लाश मर गया आदमी, तो लाश पड़ी हुई है, बहुत मोटी होगी, तो आप बोलो ना इसने दूध पी लिया इसलिए मोटी होगी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला 96 से ये कह रहा है भैया जिसको एवेपरेट किया गया यानी सूखने रख दिया गया तो 95 हो जाएगा। तो ये कह रहे ये बताओ कि अब रिड्यूस होके उसका वेट कितना रह गया, पहले कितना 20 किलोग्राम। तो मैंने बोला ये तो वही वाली बात लग गई, इसमें क्या है कि जो बदल ना रहा हो। तो मैंने बोला इसमें क्या चलता है, इनिशियल और फाइनल। उसमें तो फाइनल पहले रखते थे, इनिशियल बाद में, कब जब कहीं ऑपरेशन हो रहे होते थे। आपने बोला ये किस पर करते थे, जा रहा हो लेकिन आ ना रहा हो, या फिर मैं ये बोलता हूँ जो न जा रहा हो, जो न जा रहा हो। इसमें रिप्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, इसमें कौन नहीं जा रहा सर? पल्प नहीं जा रहा। कौन नहीं जा रहा सर? पल्प। तो ठीक है, मैं बोला इनिशियल किसका होता है? इनिशियल तो मिश्रण का होता है, इनिशियल तो मिश्रण का होता है, लेकिन लगाते किस पे? इनिशियल और फाइनल होता मिश्रण का है, लेकिन लगाते किस पे? जो जो बदल नहीं रहा। तो मैंने बोला अगर 95% 96% पानी है तो इस टोटल इनिशियल मिश्रण का, इनिशियल मिश्रण का पल्प कितना रहा होगा सर? आप बोलोगे 4% रहा होगा। अब इसी इनिशियल मिश्रण में पल्प सूखने के बाद फाइनली कितना हो गया सर? 5 हो गया। आपने बोला 5 क्यों हो गया? परसेंटेज बढ़ के हो गया, पानी निकल गया सर, पानी निकल गया, ये नहीं निकला। तो इससे क्या पता लगा? अगर इससे ये बढ़ा दूं तो बोलो इनिशियल अपॉन फाइनल मेरा कितना हो जाएगा? 5/4। यानी इनिशियली 5 बराबर अगर जो 20 था तो 4 बराबर कितना हो गया? 16 किलोग्राम। सिंपल का सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने बातों बच्चों के सामने रख दिया कि धोखे से अगर बच्चों का ये चीजें ना छूटे, थोड़े से विचार बन जाए, समझ रहे हो? मैं ज्यादा सवाल इस पर नहीं रख रहा, नहीं तो इसमें और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। आई एम नॉट सेइंग कि इसको कई तरीका है सॉल्व करने के, कई तरीके हैं, पर देखो इन सवालों की इतनी औकात नहीं होती, इन सवालों की इतनी वैल्यू नहीं होती कि और किसी तरीके की तरफ जाया जाए, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, कोई डाउट हो पूछो। मैं भी बीच बीच में आपके मॉक वगैरह से क्वेश्चन उठाटा के, मिसलेनियस क्वेश्चन करा के, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उठाटा कराऊंगा, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिस हो। उनका कराने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा, करने के लिए तो आप वैसे भी करते हो कि आपको क्वेश्चन को करने के अप्रोच में जो डिफरेंसेस है वो पता लगे, यार हमने तो नया क्वेश्चन आया तो ऐसे किया लेकिन हमने ऐसे किया, तो उससे काफी लर्निंग होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? एक मिश्रण है सर, किसका है? सॉल्ट और वाटर का। इसमें पहले जो मिश्रण है उसमें 15% सर सॉल्ट है। अब सॉल्ट कितना रह जाता है सर? 20% रह जाता है। कब? जब इसमें से पानी निकल जाता है, बाष्पित हो जाता है। निकलना या बाष्पित होना एक ही बात है, निकालना खुद पड़ता है, बाष्पित अपने आप हो जाता है। तो मैंने बोला सॉल्ट में से पानी निकल गया तो सॉल्ट तो बदला नहीं, यानी इनिशियल मिश्रण में जो चीज 15% थी, पानी के निकलने की वजह से, पानी के निकलने की वजह से उसी मिश्रण में वो चीज अब कितनी परसेंट हो गई सर? 20% हो गई। तो मैंने बोला इनका अनुपात क्या हो गया इनिशियल और फाइनल का? हमने बोला सर 5 × 20 और 5 × 15, पहले जो 4 था वो 3 रह गया, तो कौन निकला? 1 निकला, लेकिन 1 बराबर वो कितना बोला सर? 30 किलोग्राम बोला है, 30 किलोग्राम बोला। आपने बोला पानी तो लीटर में नापा जाता है। मैंने बोला देखो आहा, ये बात सही है, ये बात देखा जाए तो बिल्कुल सही है, पानी तो लीटर में होना चाहिए था, लेकिन इसमें पता नहीं क्या कहना चाह रहा, एक इनडायरेक्ट बात ये बोला, जैसे आप अमरूद जब नापते हो क्या लीटर में नापते हो? समझना समझना, आप अमरूद कभी लीटर में नापते हो? आपने बोला नहीं। मैंने बोला मालूम नमक है, नमक है, नमक में पानी भरा हुआ है, तो नमक आप लीटर में लेके आओगे? आपने बोला नहीं, किसमें लाओगे? किलोग्राम में, लेकिन पानी तो उसमें है। देखा जाए आपकी अमरूद में, मैंगो में, बनाना में, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है वाटरमेलन में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन फिर भी किसमें लेके आते? किलोग्राम में, ठीक है, लेकिन उसमें जब पानी निकलेगा तो लीटर में। तो जो लीटर में पानी निकला है, निकला लीटर में ही होगा सर पानी। ये थोड़ी छोटी सी बात होती है, छोटी बातें लेकिन सोचनी बातें हैं, ठीक है, छोटी बातें लेकिन मोटी बातें।
तो मैंने बोला निकला तो लीटर में है, लेकिन उसके निकलने की वजह से जो बाहर कम हुआ है वो कितने के बराबर हुआ, 30 किलोग्राम के। तो 30 किलोग्राम के बाहर के कम होने की वजह से वो पानी को हमने कितना मान लिया सर, 30 लीटर, 30 किलोग्राम मान लिया, ना कि लीटर माना। आपने बोला हाँ सर ये बात तो है। तो मैंने बोला प्रारंभ में कितना था, 4 3 12 120 किलो लीटर था, किलोग्राम था सर, मैं भी बार बार लीटर कंफ्यूज हुआ था, कितना था 120 किलोग्राम। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है आपको काफी छोटी छोटी बातें सीखने को मिल रही होगी, कुछ सवालों से छोटी बातें सीखी जाती हैं जो हमारे लूप होल्स फिल करती हैं, तो कुछ सवालों से बड़ी बातें सीखी जाती हैं जो हमारी गहराइयों को और मजबूत करती हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आज की वीडियो में बच्चे आज हम इतना ही रखते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन कम हुए हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग हो रही है। मैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, अभी धीमे धीमे फ्लो बढ़ रहा है तो हमारे नंबर ऑफ वीडियोस भी बढ़ जाएंगे। अभी हमारा देखो मैं बहुत जल्दी, आप देख रहे होंगे बायो वगैरह भी मैं पढ़वा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपके GS के भी कुछ लेक्चर्स पढ़ेंगे जिससे आपकी लर्निंग हो। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। वैसे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम पढ़वा रहे हैं तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला है मिलेगा, जिससे उसकी तैयारी में कोई भी कमियां हैं वो कमियां न रहें और आप सिलेक्शन लो। आपकी दुआओं से हम भी आगे बढ़े। इसी विदाई के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास के लिए मैं विदाई लेता हूँ। एक फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ, नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।